तो नागपुर ने सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो मेरे के लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि मैं नागपुर में रहता हूँ, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, तो भैया मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। क्या रिकॉर्ड बनाया ऐसा, सिंपली मैं आपको बता दूं, मेरे नागपुर में अभी रिसेंटली में बनी है मेट्रो ट्रेन, तो मेट्रो ट्रेन के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे नागपुर का नाम आया है। और किस लिए आया, तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, मेट्रो जो स्टेशन है उस वास्ते आया, बहुत बड़ी चीज बना है जो पूरे वर्ल्ड में नहीं है, जो हमारे नागपुर में बना, नितिन गडकरी के वजह से हुआ है। यानी नितिन गडकरी हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री है, सड़क बनाना, मेट्रो बनाना, ये सब उनके अंडर में आता है, तो हमारे बेसिकली नागपुर के ही नितिन गडकरी। अब यहाँ पर स्पेशली क्या बना है, और यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों ने भी रिएक्ट किए कि भैया नागपुर का ये जो स्टेशन है तो वर्ल्ड में यानी रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर बेसिकली क्या बना है, इसके पहले मैंने ये वीडियो देखा, मेरे को बरोबर समझ में नहीं आया कि भैया आम इंसान तो समझने लायक नहीं थे ना वो वीडियो, ये बोल क्या रहा है एक्चुअल में, ये क्या है, किस वास्ते यानी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे नागपुर का नाम आया। मैंने पूरा वीडियो देख लिया, पूरा वीडियो डबल देखने के बाद मेरे को समझा कि भाई इस वास्ते बनाया, और बेसिकली किस वास्ते बनाया यही बता रहा हूँ, और मेरे को अंदर से अच्छा लग रहा है कि भैया नागपुर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। किस वास्ते, मेट्रो के वास्ते। यहाँ पर मेरे नागपुर में यानी 2017 की बात है, 2017 से हमारे नागपुर में काम चालू हुआ मेट्रो जो रेल है आने का, ठीक है, मेट्रो सिटी मेट्रो बोलते हैं इसको, वो आने का 2017 में जब मैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पढ़ता था, तो वहां से यानी हिंगना में बन रहे थे ये मेट्रो स्टेशन। अब मेरे को यहाँ पर कुछ यानी गजब नहीं लगा, लेकिन मेट्रो मेरे को देखना अच्छा लगा कि हाँ भाई मेट्रो चल रही है, और मेरा आसान उस टाइम मेरे जमाने में, उस टाइम 2017 में मेट्रो नहीं थी, तो मेरे को हिंगना में बस में कुचल कचल के आना पड़ता था, जाना पड़ता था कॉलेज के लिए, अभी हिंगना में था मेरा कॉलेज, अब मैं रहता हूँ रामेश्वरी, और यानी बर्डी से डायरेक्ट हिंगना मेट्रो स्टेशन यानी बन चुका है, पूरा अभी प्रॉपर हो चुका है। तो ये रिकॉर्ड इस वास्ते बना है, अब वर्धा में एक रोड है, वहाँ पर रोड में यानी पहले एक रोड आ गया, फिर इसके ऊपर हाईवे आ गया, फिर हाईवे के ऊपर हमारा मेट्रो स्टेशन है, इसको बोलते हैं डबल डेकर मेट्रो स्टेशन। सिंपली नीचे एक रास्ता है, ठीक है, फिर उसके ऊपर से मेट्रो जाती है, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बना है हमारे नागपुर के अलावा। तो ये जो डबल डेकर मेट्रो स्टेशन है, इस वास्ते हमारे नागपुर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज किया गया है। तो ये मेन वजह है, नागपुर ने पूरे इंडिया का नाम रोशन किया और वर्ल्ड का भी नाम रोशन किया कि भैया नागपुर में ऐसा ब्रिज बन सकता है डबल डेकर डक बोलते इसको। तो ये मेरे को चीज अच्छी लगी। अब मेरा टेक का चैनल है, लेकिन तो भी मैंने ये न्यूज क्यों दिया, क्योंकि मैं नागपुर में रहता हूँ, तो नागपुर के बारे में इतनी बढ़िया बात हो रही है तो आपको बताना जरूरी समझा, इसलिए मैं आपको बताया। सिंपली ये वीडियो को लाइक कर दो, और पाकिस्तानी जो चैनल है ये वाला, इसने क्या रिएक्ट किया था कि भैया उन लोग भी यानी अच्छे से बताया नहीं कि भैया एक्चुअल में है क्या, ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज है जो कहीं नहीं बनी है, जो हमारे नागपुर में बनी है। तो ऐसी वीडियो के लिए सिंपली लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।